हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थाट्स अभी आपके लिए क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फुल लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड नाउ अभी हम शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि करंटली अभी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ उनके दिल और दिमाग में आपके लिए चल रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। The High Priestess, Knight of Wands, Queen of Wands, Page of Pentacles and we have Three of Pentacles. Okay, Ace of Wands, Ten of Cups, Eight of Wands, Seven of Swords, Two of Cups, bottom of the deck is the Sun and it's nice and या चलो अब रीडिंग को शुरू करते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। सो यहाँ पर हमारे सामने आ गए हैं कार्ड्स। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है आपके लिए एंड इमेजिन कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत सोच रहे हैं, आंखें खोले तो भी आपके बारे में ही थॉट्स हैं और आंखें बंद करें तो भी आपके बारे में ही थॉट्स हैं और दिल से सोच रहे हैं। यू नो, इनको याद आ रहे हैं अभी करंटली आपके साथ बिताया हुआ वक्त, आपके साथ बिताए हुए पल, आपका हंसता मुस्कुराता सा चेहरा आपकी इनकी आंखों के सामने आता है बार बार। यू नो, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी ब्यूटी की तरफ सबसे पहली चीज़ तो, एंड आपकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। लाइक आप मस्त हो भाई अपने ज़िंदगी में, लाइक आप मुस्कुराते रहते हो, आप हसमुख हो और आप इंजॉय कर लाइफ को इंजॉय करने पे बिलीव करते हो। एंड ये चीज़ यू नो, आई थिंक ये चीज़ आपने सिखाई है आपके पर्सन को, मुस्कुराना, इंजॉय करना। एंड वो जो आपके साथ इंजॉय किया है वो कहीं ना कहीं अभी ये इमेजिन करें, लेकिन सोच रहे हैं पुरानी यादों को। ओके, तो पुरानी यादें इनको आ रही हैं, पुरानी चीज़ें जो कि बहुत ऐसा वक्त रहा है आपके साथ बहुत खूबसूरत, तो वो इनके दिमाग में अभी करंटली चल रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स हैं यहाँ पर, मुझे ये भी दिख रहा है। लाइक इन्होंने भी बहुत सारे सपने देखे थे आपके साथ और आपने भी बहुत सारे सपने, आई थिंक आपने बहुत इनको, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने इनके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी। लाइक आपने तो फ्यूचर तक की प्लानिंग कर ली थी इनके साथ, तो आपने फ्यूचर बहुत बोला है इनको। लाइक यू नो, हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या मे बी इन्होंने आपके साथ शेयर की तो ये उन बातों को याद करे जो आपसे उस टाइम इन्होंने कही थी ना, वो बातें इनको आज याद आ रही है कि उसने मुझे कितना कुछ बोला था और मैंने भी कितना कुछ सोचा था, उसने भी कितने सपने देखे और मैंने भी कितने सपने देखे, और मैं क्या कर रहा हूँ ये, या मैं क्या कर रही हूँ ये सारे सपनों को बर्बाद। तो ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आ रहा है, ये एक इमोशन है जो कि इनके दिमाग में आ रहा है।
इनका आपसे बात करने का बहुत मन करता है, क्योंकि आपसे इनको एक पॉजिटिव वाइफ मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स आप इनको देते हो, यानी आपको एक क्वीन की तरह देख रहे हैं, एक किंग की तरह देख रही हैं आपको, जिसके अपने लाइफ के रूल्स हैं और हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं ये, आपकी वाइव, आपकी वो पॉजिटिव वाइब्स को ये मिस कर रहे हैं, कि उनको फील करना चाहते हैं या आपको फील करना चाहते हैं। आई थिंक ये आपके ऑरा में आना चाहते हैं, आपके आसपास आना चाहते हैं, ताकि आपकी एनर्जी को फील कर सके, बिकॉज इनको आपकी एनर्जी बहुत बहुत रिलैक्स फील करवाती है। जब ये आपके आसपास होते हैं ना, तो इनको बड़ा सुकून मिलता है, तो ये उस सुकून को ढूंढ रहे हैं अभी अपनी लाइफ में। नाउ ये आपको स्पाई करते हैं, आपको छुप छुप करके देखना या ऑनलाइन देखना, आपके ऊपर नज़र रखना, ये वो कर रहे हैं अभी। अगर आप किसी फेक आईडी के, अगर आप किसी न्यू आई कोई आपकी सोशल मीडिया पे आपके आपके इंस्टा या आपके व्हाट्सएप या आपके फेसबुक पे किसी ने अननोन है कोई और आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे यहाँ पर याद दिख रहा है कि वही है, कोई अननोन है जो कि आप भी उनसे बात कर रहे हो, बिकॉज़ वो सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब दे रहे हो, सिर्फ वही है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिनसे आपकी बातचीत चल रही है, आपकी पर्सन की वो फेक आईडी है। सो ये भी एनर्जी है यहाँ पर। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, कनेक्शन में स्टेबल करना चाहते हैं, बट अभी इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, अभी इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये अभी क्या कर रहे हैं कि छुपके छुपके आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये किसी और इनडायरेक्टली आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको अभी ऐसा उल्टा सीधा सा ही आ रहा है दिमाग में, सीधा रास्ता कोई दिख नहीं रहा, बट नाउ ये आपके साथ आना चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है आपके साथ रहना। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी तरीके का सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं, सरप्राइज़ आपको करना चाहते हैं ये, यहाँ पर एक पेंटिकल है, यहाँ पर तीन पेंटिकल सज गए हैं, तो मे बी किसी तरीके का सरप्राइज़ ये प्लान कर रहे हैं, मे बी आपका बर्थडे आने वाला है या कुछ खास है, या ऐवी ही कोई सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं, जिससे कि आप सरप्राइज़ हो जाओ और आप भूल जाओ इनके झूठ को, आप भूल जाओ इनकी तकलीफ जो इन्होंने आपको दी उसको, बिकॉज ये अभी आपका साथ चाहते हैं, इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए। नाउ ये आपको फील करना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, ये आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स को महसूस करना चाहते हैं, बिकॉज इनको बड़ा सुकून महसूस होता है आपके आसपास आकर के। वो है यहाँ पर, एंड ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं सीरियसली, ये यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, देखो ये दो हाथ फैला करके लड़की से मांग रही है कुछ, और इसकी वो मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स तक भी जा रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें मिलके तो ये बहुत अच्छा मिराकल ही करके देंगी, ये तो ये तो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वर्क हो कर जाएंगी ऐसे तो। अगर आप नहीं कर रहे हो मैनिफेस्ट, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि मैनिफेस्ट करो, बिकॉज एनर्जीज मैच हो जाएंगी। अगर कर रहे हो तो फिर ठीक है, फिर तो आपका बहुत जल्दी इनसे बात हो जाएगी, आप देखोगे, आप खुद शॉक रह जाओगे, हैं ये कैसे हो गया, बट यस हो गया। बट नाउ ये बहुत मिस कर रहे हैं, क्यों ऐसा होता है ना, बेचैनी सी, उल्टे सीधे करना, कभी फेक आईडी से, कभी फ्रेंड से पूछ लिया, कभी कैसे बात करने की कोशिश, कभी कैसे बात करने की कोशिश, तो ये उल्टे सीधे से थॉट्स आ रहे हैं इनके दिमाग में, अलग अलग तरीके के, कि ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो कुछ हो जाए, तो वैसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो उलूल झुलूल चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं।
वो उल्टे उल्टे सीधे थॉट्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। नाउ यहाँ से देखते हैं, ओके यहाँ पर है कंडीशनिंग, नाउ यहाँ पर है साइलेंस। ओके एक्चुअली इनको ना अभी ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनके अंदर कुछ चेंज आए हैं, मतलब इनके अंदर कुछ बदलाव आए हैं और ये खुद भी महसूस कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बदल सा गया हूँ, कुछ बदलाव आ गए हैं। इनको अकेला रहना पसंद आ रहा है, इनको खामोश रहना पसंद आ रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं, ये चुप चुप से रह रहे हैं, इनको शांति पसंद आ रही है, इनको सुकून ढूँढ रहे हैं। मतलब ये मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है लाइक सुकून ज़िंदगी में, लाइक इनका कुछ और करने का मन ही नहीं करता। इनके अंदर बहुत चेंज आ रहे हैं अभी, मतलब इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं ऐसा नज़र आता है। यस इंटेंसिटी, ये नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं गाइस, मतलब नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आना, नेगेटिव थॉट्स से निकल के पॉजिटिव थॉट्स में आना। अगर इनकी कुछ हैबिट्स बहुत बेकार रही हैं तो उन हैबिट्स को छोड़ कर के अच्छी हैबिट्स में आना, जैसे फ्लर्ट करना, लाइक झूठ बोलना, बातों को छुपाना, तो ये इन हैबिट्स को छोड़ कर के अच्छाई की तरफ आ रहे हैं, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। पॉलिटिक्स, यस ये पॉलिटिक्स बहुत खेलते थे तो मे भी यहाँ पर इस पॉलिटिक्स से ही ये बाहर निकल रहे हैं ऐसा नज़र आ रहा है। किस पॉलिटिक्स से ये बाहर निकल रहे हैं, इससे बाहर आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको पता है कि इस पॉलिटिक्स ने इनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर दी, इस पॉलिटिक्स ने इनका जीना आराम कर दिया, इनको खुद को ये समझ में आ रहा है, तो ये उसी को उसी बैड हैबिट को छोड़ रहे हैं यहाँ पर। वो माइंड गेम्स खेलना, प्रोमिसज करके प्रोमिसज को तोड़ देना, झूठ बोलना, तो वो सारी चीज़ों को ये छोड़ना चाहते हैं। सी मैंने चेंज की बात की थी, यहाँ पर चेंज का कार्ड है, सो यस चेंज है यहाँ पर इनकी एनर्जी में, मुझे चेंज दिखता है। एक्सपेक्ट अ मिराकल, ये एक मिराकल से कम नहीं है कि इनकी लाइफ में इतना चेंज आ रहा है, ये एक मिराकल से कम नहीं है कि इतना चेंज हो रहा है, और ये तो आपको भी पता है कि ये किसी मिराकल से कम नहीं है। सो आप एक मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यस एक मिराकल जैसा ही चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है, इनके अंदर आ रहा है। यस एक प्लेयर वाली एनर्जी इनकी चेंज हो रही है गाइज, आप एक मिराकल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनकी जो प्लेयर वाली एनर्जी थी ये उससे बाहर आ रहे हैं, इनकी फ्लर्ट करने की आदत ये उससे बाहर आ रहे हैं, अपनी गंदी आदतों को ये छोड़ रहे हैं। नथिंग टू वरी अबाउट, यू नो आपको चिंता नहीं करनी है, यू नो आप बहुत टेंशन में रहते हो ना कि मैंने उससे इतना प्यार किया और उसने क्या मेरे साथ भी ऐसा किया, ना ना एक्चुअली वो औरों के साथ करते बट आपके लिए फीलिंग्स हैं, तभी तो इतना बेचैन है आपके लिए। तो आप ऐसा मत सोचो कि उसने मेरे साथ टाइम पास किया या उसको सच्चा प्यार था, बात यहाँ पर ये कि अभी आपके लिए बेचैनी है, मतलब आप उनके लिए इम्पोर्टेंट तो हो कहीं ना कहीं, आप उनके लिए स्पेशल तो हो, क्योंकि अगर हमारी लाइफ में कोई स्पेशल नहीं होता है तो हम उसके लिए इतना टेंशन नहीं लेते हैं, तो ऐसा मत सोचो, ठीक है। केमिस्ट्री, यस आपके साथ जो केमिस्ट्री इनकी बनी है किसी और के साथ नहीं बनी है, तो आप ऐसा मत सोचो, आपके दिमाग में अगर ये थॉट आता है कि मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, मेरे साथ भी गेम खेल के गया या मेरे साथ भी टाइम पास करके गया, तो ऐसा मत सोचो, आप इस चीज़ के लिए मत सोचो, क्योंकि केमिस्ट्री आपके साथ अच्छी बैठी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठी है, बाकी लोगों के साथ खेले होंगे गेम बट आपके साथ ऐसा हो गया है कि इनको प्यार ही हो गया है, मतलब आपके थॉट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं ये। एंड यहाँ पर है कार्मिक पार्टनर, सो
अगर ऐसा है कि ये और लोगों की प्लेयर वाली एनर्जी में क्यों है और ये और लोगों की तरफ क्यों इतना अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज इनके आई थिंक कार्मिक पार्टनर्स बहुत सारे हैं, तो इनको अपना कर्मा भी तो पूरा करना, अपना साइकिल्स भी तो कंप्लीट करना, चाहे कुछ हो जाए कार्मिक पार्टनर तो खींच के लेके ही जाते हैं अपनी तरफ, बट ऐसा नहीं है कि वो ले गए तो ले गए, नहीं वहाँ से निकल भी आता है इंसान, क्योंकि कार्मिक पार्टनर के साथ भाई मुश्किल होता है ज़िंदगी जीना, बहुत मुश्किल होता है उसके साथ रहना, तो वो है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है सेकेंड चांस, यस ये आपसे दूसरा चांस चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको एक मौका दो, एक सेकेंड चांस दो, ताकि ये अपनी गलतियों को सुधार लें, ताकि अच्छे इंसान बन जाए, ताकि एक अच्छे पार्टनर बन जाए, और ये आपको लॉयल होके और अपने आप को प्रूफ करके दिखाएं कि यस ये चेंज हो गए हैं, यस ये आपके लायक हैं, तो प्रूफ करना चाहते हैं कि आपके लायक हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है, लाइक ये प्रूफ देना चाहते हैं उस चीज़ का। ओके नाउ पिंक कार्ड्स देखते हैं, इंगेजमेंट मे बी हो सकता है कि इनकी अभी किसी के साथ इंगेजमेंट हुई है, बट ये हैप्पी नहीं है गाइस, ठीक है, इस इंगेजमेंट से आई थिंक ये प्रेशर में सी कर्मा, सो हो सकता है कि कुछ ये भी कर्मा ही है इनका कि जिसके साथ इंगेजमेंट हुई है लाइक वो इनका कार्मिक ही है कोई ना कोई, बिकॉज ये हैप्पी नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ है ना तो ये हैप्पी नहीं है, ठीक है, प्रेशर में ही हुई है ये चीज़। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके साथ इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, ये भी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है हैप्पी फैमिली लाइफ, यू नो इनको आपके साथ जीनी है एक हैप्पी फैमिली लाइफ, और ये आपके साथ देखते हैं, इनको आपके साथ फील होती है, ये आपके साथ ये लाइफ चाहते हैं, और अगर ऐसा हो गया है ना कि इनकी इंगेजमेंट हो रही है सो ये खुश नहीं है भाई, क्योंकि इनको आपके साथ लाइफ चाहिए थी, लेकिन इनकी फैमिली ज़बरदस्ती कहीं और इनको बांध रही है, सो यू नो यहाँ पर वो है। और अगर ऐसा नहीं है इंगेजमेंट, क्योंकि ये सबके लिए मैसेज नहीं है आपको मैं बता दूँ, ठीक है, ये जिनके लिए है उनको पता होगा, वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि किसके लिए है, तो सभी इसको मत लेना पर्सनली, ओके पर्सनली मैसेज लेने का नहीं है। एंड यहाँ पर है इरिटेशन, आपके पार्टनर थोड़ा इरिटेट भी हो रहे हैं अपनी सिचुएशन से, नॉट हैप्पी, एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ फील कर रहे हैं, बट आपके पास नहीं आ पा रहे, तो इस वजह से भी मे बी इनको इरिटेशन हो रही है, फियर ऑफ रिजेक्शन। एंड इनको आपके, देखो आपके आपके लिए एक इमोशनल अटैचमेंट है बट आपके पास नहीं आ पा रहे, इसलिए इरिटेशन हो रही है, आपके पास क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनको रिजेक्शन का फियर है। सो ये तीनों कार्ड्स एक मैसेज देते हैं, ओके रिकॉन्सिलेशन ये चाहते हैं, सी ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो चाहते तो हैं बट कैसे पॉसिबल होगा। ओके सो नाउ मैसेजेस, एंजल मैसेजेस आपके लिए, आपने कोई एक कार्ड चूज़ करना है, ओके तो चलिए देखते हैं, आपको अपने लिए पर्सनल अपना एक कार्ड चूज़ करना है। कार्ड नंबर वन, कार्ड नंबर टू, कार्ड नंबर थ्री, कोई एक कार्ड चूज़ कर लो, ये आपके लिए आपका पर्सनल मैसेज होगा एंजल्स की तरफ से। सो चलिए कार्ड नंबर वन आपका देखते हैं, सबसे पहले हेल्पफुल पीपल, ओके इस कार्ड को देख के ना सबसे पहले मेरे दिमाग में जो थॉट आया वो ये कि आपको जिस भी चीज़ में हेल्प चाहिए ना आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है, मे बी आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, मैं इस कार्ड को मतलब मैंने जैसे इस कार्ड को ऐसे टर्न किया ना लाइक मुझे, मैंने यहाँ पर पढ़ा भी नहीं क्या लिखा और मैं इसकी तरफ जा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने टर्न किया मुझे बस इस कार्ड को देखते ही एक ही दिमाग में आया मैसेज, और वो ये कि आपको जो मदद चाहिए वो मदद आपको मिलने वाली है। कार्ड नंबर वन, आपको जिस भी चीज़ में मदद चाहिए या फिर आप कोई भी चीज़ ऐसी है
कि किसी के मदद के बिना नहीं हो सकती, तो वो अपने आप अब आपको मदद मिलने वाली है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, नाउ कार्ड नंबर टू, पीसफुल रेजोल्यूशन है आपके लिए। क्या बात है, क्या बात है। सेवनटीन टू एटीन डेज बाद ही है ये। ओके, सत्रह से अठारह दिनों के बाद ही पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, आपको पता है, राइट। कार्ड नंबर थ्री, अबंडेंस। क्या बात है, कार्ड नंबर थ्री, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। ओके, सो कार्ड नंबर थ्री, वन मंथ के अंदर आपकी लाइफ में ढेरों अबंडेंस होगी। एक महीना लग जाएगा, बट यस, आपकी लाइफ में आपके लिए क्या चीज़ अबंडेंस है वो आपके पास होगी, ठीक है। इतना तो टाइम लगेगा, बट अबंडेंस का भाई सबके लिए अलग अलग है। अबंडेंस किसी के लिए क्या है तो किसी के लिए क्या है, किसी एक चीज़ को हम अबंडेंस नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग पैसों से जोड़ते हैं, बट नहीं, अबंडेंस किसी के लिए हेल्थ भी हो सकती है, अबंडेंस किसी के लिए प्यार भी हो सकता है, अबंडेंस किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए मेरी अबंडेंस मेरे कार्ड्स हैं, मेरे लिए मेरी अबंडेंस मे बी कुछ और चीज़ होगी, बट अबंडेंस के हम एक चीज़ को नहीं कर सकते कि यही अबंडेंस है। ओके, सो आपके लिए जो अबंडेंस है वो आपको मिलने वाले, जो आपके लिए अबंडेंस है तो वो आपको मिल जाएगी। ओके, सो ये एनर्जी है यहाँ पर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।